नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। देखिए दिन भर की फटाफट खबरें, फटाफट अंदाज। विराट कोहली के टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद भारतीय क्रिकेट में चर्चा का बड़ा विषय है कि टीम का अगला कप्तान कौन होगा। कप्तानी की रेस में लिमिटेड ओवर के कैप्टन रोहित शर्मा, ओपनर केएल राहुल, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विकेटकीपर ऋषभ पंत के नाम आगे चल रहे हैं। इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने कोहली के इस्तीफे और रोहित शर्मा को टीम का अगला टेस्ट कैप्टन बनाए जाने की बात रखी है। देश में रविवार को 2.9 लाख मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2.61 लाख लोग ठीक भी हुए, जबकि 956 लोगों की मौत हो गई। पिछले दिन के मुकाबले एक्टिव केस की संख्या में करीब 52,833 की कमी हुई। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 18.25 लाख है। कुल केस 4.13 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। देश का डेली पॉजिटिविटी रेट 15.77% है। देश के कोरोना केस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। साथ ही शनिवार को 2.34 लाख और शुक्रवार को 2.35 लाख नए केस मिले थे। तीसरी लहर के दौरान 20 जनवरी को सबसे ज़्यादा 3.47 लाख नए केस मिले थे। खास बात यह है कि दिल्ली मुंबई समेत देश के सभी प्रमुख शहरों में नए संक्रमितों की संख्या घटती दिखाई दे रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पहली वर्चुअल रैली की। इसे पीएम की जन चौपाल का नाम दिया गया। वर्चुअल रैली में मोदी ने कहा कि जब मैं 5 साल पहले यूपी आया था, तब मैंने कहा था कि विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 5 साल पहले दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का कहा शासन का आदेश था। बेटी घर से निकलने में घबराती थी, माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब दंगे हो रहे थे तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। पिछड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे समाजवाद का प्रतीक था। अपहरण फरौती ने मध्यम वर्ग को तबाह कर दिया था। 5 साल में योगी सरकार ने इन हालातों से बाहर निकाला है, यह कोई मामूली काम नहीं है। जयपुर की सीनियर आईएएस उषा शर्मा को राज्य सरकार ने नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव पद से निरंजन आर्य आज शाम रिटायर्ड हो जाएंगे। इससे पहले कि कार्मिक विभाग ने आर्य को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री का सलाहकार बनते ही आर्य को आरपीएससी अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर माना जा रहा है। उषा शर्मा को केंद्र सरकार ने कल ही राज्य सरकार के आग्रह पर डेपुटेशन से रिलीव किया गया था। आज शाम उषा शर्मा के सचिवालय में चार्ज संभालने की संभावना है। 1985 बैच की आईएएस उषा शर्मा युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय में नियुक्त थी। उषा शर्मा मुख्य सचिव बनने वाली दूसरी महिला आईएएस है। इससे पहले पिछली गहलोत सरकार में कुशल सिंह को मुख्य सचिव बनाया गया था। आज यानी 31 जनवरी 2022 को संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2021 व 22 के लिए इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2022 और 23 में 8 से 8.5% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। राज्यसभा में दोपहर 3:30 बजे पेश होने के बाद इसे पब्लिक किया जाएगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन 3:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ी जानकारी देंगे। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि वैक्सीन कवरेज और सप्लाई साइड रिफॉर्म से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। सरकार का जीडीपी अनुमान इस बात पर आधारित है कि आगे महामारी से कोई आर्थिक गतिविधि प्रभावित नहीं होगी और मानसून भी सामान्य रहेगा। इसका मतलब है कि अगर मानसून या महामारी का कोई प्रभाव आता है तो जीडीपी घट सकती है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।